और घटना ल लेके विधायक बृजमोहन अग्रवाल के एक अलग बड़े बयान सामने आए हैं कि इनके घटना दुर्भाग्यजनक हवे, क्योंकि जब सब ए प्रकार के चर्चा करत रहीन नक्सलवाद समाप्ति के तरफ है, ऐसन में अतिक बड़े घटना होना, 11 जवान मन के शहीद होना कहीं ना कहीं और मोला लगते है कि एक दिन पहले विधायक ऊपर हमला करे गे रही, सो रोज अपन कम से कम एक आदमी के मुखबीर के नाम ले हत्या करत है और सड़क बनाए वाले गाड़ी ला जलाते, पुलिस के जवान मन ला कहीं भी कभी भी मारत है और ये चीज ला गंभीरता ले लेना चाहिए। हमारे 10 जवान शहीद हो गए, जवान मन ला श्रद्धा सुमन अर्पित करते। ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जब हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और ऐसे समय पर इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया, रोज कम से कम एक आम आदमी की वो मुखबिर के नाम से हत्या कर रहे हैं, सड़क बनाने वाली गाड़ियों को जला रहे हैं, पुलिस के जवानों को जहां पर भी अकेले में पाते हैं उसको मार रहे हैं। उसको जितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं। और जब भी कोई पुलिस पार्टी या सुरक्षा दलों की पार्टी गश्त में जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी सामने चलती है, तो आखिर रोड ओपनिंग पार्टी सामने क्यों नहीं थी, ये ब्लास्ट क्यों हुआ? और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस बात की कामना करता हूँ कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।